एक बहुत कॉमन फेनोमेना है कि बहुत सारे बच्चे जो 11th 12th में हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, उनको क्लास में समझ में भी आता है बट उनके टेस्ट में मार्क्स नहीं आते पूरे एक साल तक या दो साल तक, तो उनको लास्ट में आके एक सेल्फ डाउट हो जाता है कि यार अभी तक मेरे मार्क्स नहीं आए तो अब क्या मेंस में मेरे साथ कुछ हो सकता है। तो मैं बताऊंगा कि बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम्हें क्लास में समझ में आता है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि तुम किसी ठीक ठाक सी जगह पर पढ़ रहे होगे, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोर्ड लेवल का पढ़ा रहे हो, अगर वो आईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल का पढ़ा रहे हैं और तुम्हें वहाँ पे समझ में आ रहा है, इवन 80% भी समझ में आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, यू आर गुड टू गो। ठीक है, अब एग्जामिनेशन में हो सकता है कि मार्क्स किसी भी एक्स वाई जी रीज़न से ना नहीं आ रहा हो अभी तक, कि हम रिवाइज़ नहीं कर पाए या फिर पेपर का अटैम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी गलत था, बट वंस एक बार जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद यू विल फील कि तुम पूरे कोर्स को एक टोटालिटी में देख पाओगे, और अगर तुम अभी भी लगातार मेहनत करोगे तो तुम्हारे मार्क्स में हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। डबल डबल मार्क्स आराम से जाते हैं बच्चों के 2-3 महीने के अंदर ही, 1-2 महीने के अंदर ही, एक बार जब कोर्स ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बार ढंग से रिवाइज़ किया सारा कुछ, फिर तो रिवीज़न ही लगातार चलता रहता है, चीज़ें दिमाग में काफ़ी कुछ याद हो जाती हैं, और लगातार हम पेपर देते हैं छोटे छोटे टाइम इंटरवल पे, तो जो मिस्टेक्स हैं वो भी यूजली हम डेमिनिश करते जाते हैं। तो हमें अभी हार बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, यू विल फाइंड, मतलब तुम मेरी बात लिख के रख लो कि जो बच्चे अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और अगर वो ढीले हो जाएं, मतलब अगर वो रिलैक्स कर जाएं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका परफॉर्मेंस जेई में भी वैसा रिपीट होगा, नहीं। ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और अगर किसी बच्चे का अभी तक मार्क्स नहीं आया उसका ये मतलब भी नहीं है कि अभी मार्क्स नहीं आएगा। अभी कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अभी तक 100 टच ही नहीं हुआ होगा, बट पेपर देख के उन्हें ये फील आ जाती है कि यार मैं इसमें और भी अच्छा कर सकता था, मतलब मेरा 140-150 आराम से आ जाता पेपर में, और लगातार पेपर दर पेपर उनके साथ यही हो रहा होगा, तो उन्हें लगता है कि यार अब क्या होगा, इतने पेपर दे दिए अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा। तो ट्रस्ट मी, अगर एक बार कोर्स ख़त्म करने के बाद, फुल्ली रिवाइज़ करने के बाद, नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद अगर तुम अब पेपर दोगे और अगर तुम्हें क्लास में समझ में आया, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इंप्रूव होनी चालू हो जाएगी, एंड इट विल नॉट बी लीनियर ग्राफ, मतलब ऐसा नहीं है कि एक टेस्ट में 5% बढ़े फिर अगले में 5% बढ़े, ऐसा नहीं होगा, सडनली खूब अच्छा जंप आएगा, और ऐसा हर साल हम देखते हैं, और हर बच्चे के साथ ऑफकोर्स नहीं होता है, बट एक और एक्सेप्शनल केसेस भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि 1000 बच्चों की क्लास में एक ही बच्चे के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, ये काफ़ी फ्रीक्वेंट फेनोमेना है जो स्पेशली 12th वाले बच्चों के साथ होता है, जो 12th में पढ़ते हैं ना, कि पूरे साल उनको अच्छा समझ में आ रहा होता है बट मार्क्स नहीं आ रहे होते, बट लास्ट में जो मेहनत करता रहता है उसके मार्क्स ज़बरदस्त जंप कर जाते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी भी मेहनत करते रहो, पास्ट का जो बर्डन है वो दिमाग से उतार दो। ऑल द वेरी बेस्ट।